हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। सो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ जीए फॉर योर एसएससी विजय। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे 30 इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस, जिसमें हम ऑलरेडी दो आपके इसमें पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि अप्रैल करंट अफेयर्स के एसएससी विजय में। तो हमने पहले कवर करे थे करंट अफेयर्स, जिसमें 50 इम्पॉर्टेंट अप्रैल करंट अफेयर्स कवर करे थे। तो आज हम इसमें हिस्ट्री क्वेश्चंस कवर अप करते हैं, द 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेडली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। और उससे पहले एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। तो चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय गांधी जी। इनमें से कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री, हिंद स्वराज। ठीक है, तो उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। और ये कब आई थी? ये 1909 में आई थी, यानी कि 1909 में ये बुक आई थी। अगला देखिए, द बंगाली न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाई विच रेवोल्यूशनरी इन 1879। दी बंगाली करके एक अखबार है, एक न्यूज़पेपर है, वो इनमें से किस रेवोल्यूशनरी ने फाउंड करा था 1879 में? ईयर याद रखिएगा 1879। तो वो करा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना, अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था और उसके बाद कौन सा हुआ था। सो दीज आर द इवेंट्स, ट्रीटी ऑफ बेसिन, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, DACB, यानी कि सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और इनके ईयर याद रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। ठीक है, फिर ए है आपका ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हुआ था ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो हुआ था 1802 में, 1802 में। ठीक है, उसके बाद है सी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, पहला एंग्लो सिख वॉर जो कि हुआ था 1849 में, सॉरी 1845 में, नॉट 9। और फिर लास्ट में हुआ था फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो आईएनसी था वो फाउंड हुआ था 1885 में। तो इनके ईयर याद रखिएगा सबके। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग हूज टेन्योर डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया। किसके टेन्योर पे साइमन कमीशन ने इंडिया विजिट करा था? सो वो थे लॉर्ड अरविन। ठीक है, इनके टेन्योर पे साइमन कमीशन ने इंडिया विजिट करा था। कब करा था? 1926 में, 1926 में। ठीक है, हिस्ट्री में ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज स्टार्टेड बाई विच सिख गुरु। कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी? तो वो थे गुरु अंगद, ऑप्शन थ्री। ठीक है, तो इन्होंने गुरु सिख, ये सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ऑफ इंडिया। जो नेशनल सॉन्ग है हमारी कंट्री का वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन थ्री। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनमें से किसको जाना जाता है एज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन वन। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है एज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट देखो, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। इंडियन रेवोल्यूशनरीज की मदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है भिकाजी कामा, ऑप्शन थ्री। ठीक है, सो भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज के नाम से जाना जाता है। हु रिजाइन फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके प्रोटेस्ट में कौन से वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे जिन्होंने रिजाइन करा था? सो ही वॉज शंकरन नायर। ठीक है, ऑप्शन वन, इन्होंने रिजाइन करा था। ठीक है, या साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो जलियांवाला बाग हुआ था मैसेकर, ये हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर को किस साल नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो वो दी गई थी 1915 में, 1915 में। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि
उस टाइम पे जिसको भी ये नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी उनके नाम के आगे सर लगाया जाता था, पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि 1919 में वापस कर दी थी। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस करा था कि 1919 में 1990 में क्या हुआ था, जलियान वाला बाग मैसेकर, तो उससे डिप्रेस होके उससे परेशान होके उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी 1990 में। ठीक है, अगला देखो, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन टू। और आपको पता ही है कि जो आईएनसी थी वो कब फॉर्म हुई थी, वो हुई थी 1885 में, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगला देखिए, हु वॉज नोन एज पंजाब केसरी ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, तो वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन फोर, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखो, हुज बायोग्राफी इज स्प्रिंगटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। ये किसकी बायोग्राफी है, स्प्रिंगटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, तो ये है सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन टू, ठीक है, स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशियंट इंडिया कन्वर्टेड टू जैनिज्म। कौन से फॉलोइंग, इनमें से कौन से रूलर थे जिन्होंने एंशियंट इंडिया में खुद को जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, जैनिज्म में बदल लिया था, जैन धर्म में, तो वो थे ऑप्शन फोर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज साबरमती आश्रम स्टेबलिश्ड बाय महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी द्वारा कब स्टेबलिश, कब स्टेबलिश करा गया था, तो ये करा गया था 1915 में, 1915 में। ठीक है, ऑप्शन फोर। और 1915 में अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी, उसको रिवाइज कर लीजिए, उस टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और साथ ही उसमें 1915 में और क्या हुआ था, साबरमती आश्रम स्टेबलिश्ड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट भगत सिंह वॉज हैंग। इनमें से किस डेट पे भगत सिंह जो थे उनको फांसी की सजा दी गई थी, तो वो थी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 में उनको फांसी की सजा दी गई थी। साथ ही साथ जब उनको हैंग करा गया था, देन ही वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो सिर्फ 23 साल के थे, और उनके साथ दो लोगों को और हैंग करा गया था, एक थे राजगुरु और एक थे सुखदेव, तो इन तीनों को सेम डेट पे फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट देखो, विच वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी इंडिया में, तो वो थी सूरत। ठीक है, ऑप्शन टू, सूरत, जो कि गुजरात में है। हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन फोर, दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाई द ब्रिटिश टू अरेस्ट द इंडियन लीडर्स। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पे ब्रिटिशर्स ने कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करा था इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए, तो वो था ऑपरेशन थंडर बोल्ट, ऑप्शन वन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कंडक्ट करा था ब्रिटिशर्स ने। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और ईयर था 1942। ठीक है, तो इस साल ये हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट करा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द नेशनल एंथम जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, जो हमारा नेशनल एंथम है, तो वो गाया गया था दिसंबर 1911। ठीक है, दिसंबर 1911 में। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, जनगण मन, और अभी हमने पढ़ा था कि वंदे मातरम वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला देखो, हु हैज गिवन द स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेके रहूंगा, तो वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान करके जो बुक है उसके ऑथर कौन है, सो ही इज ऑप्शन 2, कुशवंत सिंह। ठीक है,
इन विच कंट्री वॉज द आजाद हिंद फौज स्टेबलिश्ड? आजाद हिंद फौज इनमें से किस कंट्री में स्टेबलिश की गई थी? सो दैट वॉज सिंगापुर, ऑप्शन थ्री सिंगापुर। और आजाद हिंद फौज कब स्टेबलिश की गई थी? 1943 में, ठीक है, 1943 में इसको स्टेबलिश करा गया था, और ये स्टेबलिश की थी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने मिलके। Who founded the INA? Indian National Congress Association. INA, Indian National Association में से किसने फाउंड करा, किसने करा? तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ऑप्शन वन। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली करके न्यूज़पेपर भी फाउंड करा था, ठीक है। तो इन्होंने INA फाउंड करा था 1876 में, ठीक है, और बंगाली न्यूज़पेपर 1879 में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदा मोहन ने मिलके INA फाउंड करा था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ओके। अगला देखो, इन विच ईयर वास्को द गामा विजिटेड इंडिया? इनमें से किस साल वास्को द गामा जो थे वो इंडिया उन्होंने विजिट करा था? सो दैट वाज 1498, ऑप्शन टू, ठीक है। ये कौन थे? ये पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, ये पोर्टुगल से थे, और ये पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया आए बाय सी, मतलब जिन्होंने सी के थ्रू इंडिया ट्रैवल करा, ठीक है। तो ये पहले यूरोपियन थे ऐसा करने वाले। नेक्स्ट देखो, बॉम्बे समाचार इज इंडियाज ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश न्यूज़पेपर। बॉम्बे समाचार करके एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है जो इंडिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली अभी तक पब्लिश होने वाला एक ये न्यूज़पेपर है। इन विच लैंग्वेज वॉज इट प्रिंटेड हिस्टोरिकली? तो हिस्टोरिकली ये किस लैंग्वेज में प्रिंट करा गया था? सो हिस्टोरिकली इट वॉज प्रिंटेड इन द लैंग्वेज गुजराती, ऑप्शन फोर, ठीक है। अभी जो इस न्यूज पेपर का नाम है वो है मुंबई समाचार, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स मुंबई समाचार। और ये किसने फाउंड करा था? ये करा था फारदुनजी मर्जबान ने, ठीक है। इन्होंने इसको फाउंड करा था कब? 1822, ठीक है, 1822 में उन्होंने इसको फाउंड करा था फारदुनजी मर्जबान ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर बींग द आर्किटेक्ट एंड मास्टर माइंड ऑफ द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? किसको टाइटल दिया गया था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? क्यों दिया गया था? फॉर बींग दी, क्योंकि वो आर्किटेक्ट और मास्टर माइंड रहे हैं जो हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट है उसमें। तो किसको ये टाइटल दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ऑप्शन फोर मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखो, इन 1917 विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाई महात्मा गांधी फॉर चंपारण? 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च करा था चंपारण से, ठीक है। तो वो था सत्याग्रह, ठीक है, ऑप्शन वन सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स? ये फिर से कुछ इवेंट्स है तो आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि मतलब पहला इवेंट कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, मतलब सबसे पहले हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक। उसके बाद हुआ था फर्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हुआ था 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, ओके। एंड फिर नेक्स्ट था कैबिनेट मिशन जो हुआ था 1946 में, ठीक है। सो थर्ड इज द राइट आंसर, पूना पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन। अगला देखे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन टू, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो 30 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। सो आपका ये जो SSC विजय चल रहा है इसमें आपके मंडे से लेके फ्राइडे तक कंटिन्यूअसली डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। तो जो मेरा सेशन होगा दैट इज योर GK and GS सेशन, वो रोज सुबह 9 बजे होगा, डेली एट 9 AM। तो हम फिर से मंडे को आपके लिए और डिफरेंट सेशन लेकर आएंगे। एंड अगेन आई सेड कि कमेंट्स में जरूर पोस्ट करिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेशंस यू नीड, एंड वील डेफिनेटली ब्रिंग दोज फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड अगेन सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन।